सुख होना, सुखी होना और दुखी होना वो आपके हाथ में है। बताया नहीं, एग्जाम्पल दिया कुंती जी का एग्जाम्पल। वो कह रही है दुख दो, कष्ट दो, हे भगवान कष्ट दो, तभी तो आप याद आओगे। घोर कष्ट दो, जहां मेरा कोई और सहारा नहीं हो सके, जीवन का लक्ष्य आप हो, आपको हर समय याद रखना है। तो याद किस में रहेगा, जब घोर कष्ट होंगे, जिससे और कोई निस्तारा ना हो, सिर्फ एक ही सहारा हो, भगवान श्री कृष्ण है। तो एग्जाम्पल क्या देता हूँ मैं, अरे मैंने कुछ नहीं, कोई कहे एक झापड़ मारूंगा, एक करोड़ दूंगा, आप क्या कहोगे, इधर भी लगा, इधर भी लगा, लगाते जाओ, थक गया है, वो थक गया है मारते मारते, बोल रहा है अब नहीं कर सकता, नहीं नहीं मार, अबे करोड़ों जा रहे हैं। क्योंकि दुख और कष्ट, एक चीज ध्यान रखना जीवन में, ये हमें ना इस भौतिक जगत का नग्न रूप दिखाते हैं। कौन सा रूप, नग्न रूप, एकदम सफेद में, ये दुनिया है क्या। जैसे किसी को हो जाती है ना बीमारी, हो जाती है सफेद हो जाते हैं उसके सब स्किन, तो क्या करता है उसके ऊपर फाउंडेशन लगाता है, क्या करता है प्रभु जी, तो पता ही लगता है कि इसको वो स्किन डिजीज होती है ना, सफेद दाग पूरे मुंह पे है, उसने फाउंडेशन लगा के ढक लिया, यही माया करती है। परंतु जैसे ही कृष्ण हुए किसके समान, सूर्य समान, तो जैसे ही सूर्य में आते हैं तो ये सारा पसीने से बह जाता है और असलियत सामने आती है। तो जब जीवन में दुख और कष्ट आता है तब पता लगता है ये, अरे तेरे की ये दुखाल्यम है, क्या है। और माया का मतलब जो ढकती है, माया दो काम करती है पता है ना, एक ढकना और एक नीचे खींचना। क्योंकि ढकने से क्या होता है, क्या पता ही लगता, आप जा कर रहे हो, नीचे गिरते हो, किसी को खड्डे में गिराना हो तो बेस्ट तरीका क्या है, ढक दो उसका मुंह और खड्डे की तरफ ले जाओ, और हर कदम ले उसको गुलाब जामुन दो, उसको कचौड़ी दो, बढ़िया बढ़िया खाना दो, कहेगा यार बड़े बढ़िया कदम है, अरे आगे खड्डे में लेके जा रहा है तेरे को। इसीलिए कुंती देवी का एक और तरीका देखने का इसको, कि कुंती देवी जी दुख और कष्ट क्यों मान रही है, जिससे कि उनको पता, वो कभी ना भूलें कि ये दुखाल्यम है। अभी आप लोगों से नहीं बोलते कई बार, ये दुखाल्यम बोलते है, मजा भी आ रहा है यार, मजा कर रहा हूँ मैं, कहाँ दुखाल्यम है, इसने तो जहर को ही अमृत समझ लिया, अंदर जहर है ऊपर चीनी की कोटिंग है। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल तो इसमें सबसे बेस्ट बैठता है, चर्म रोग, जैसे मैं डॉक्टर को बताया था, वो ENT स्पेशलिस्ट जो थे, मैंने कहा ये मजा ये चर्म रोग की तरह है, एक्जिमा, तो समझ गया एकदम, बोलते हाँ जब एक्जिमा होता है तो बड़ा मजा आता है खुजाने में, तो बोल रहे हैं हम लोग उस पर पेशेंट के ऊपर प्लास्टिक का बांध कर और अच्छी तरह बांध देते हैं कि खुजा ना पाए, और उसे खुजाने की बड़ी जबरदस्त इच्छा होती है, वो तड़प जाता है उसको खुजाने के लिए, ऐसी आप लोगों के साथ होता है, जब माया अटैक करती है तो क्या होता है, नहीं गलत क्या हूं मैं, करने दो ना गुरु जी, इसमें गलत क्या है, अरे खुजाई तो रहा हूं, मेरा ही तो शरीर है, फिर डॉक्टर बच्चे इतना कर ले जाते हैं, मेरा ही शरीर है, तू कौन होता रुकने वाला, तो फिर डॉक्टर क्या कहता है, हाथ जोड़ता हूं, कुछ दिनों की बात है, ये दवाई लेते रहे, ये खुजाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, ये घाव सही हो जाएगा, यही गुरु कहता है, यही गुरु कहता है, ये खुजाने की इच्छा को क्या कर, परंतु हम तो मानते ही नहीं, मैं अकलमंद हूं ज्यादा, क्या है गुरु जी तो बोलते ही रहते हैं, इनका तो काम क्या है, गुरु का काम है इनका बोलना है, बोल रहे हैं, मैं लू ना लू यत इच्छे सी तथा गुरु, देखो तो भगवान ने बोल रखा है तेरी इच्छा है जैसा कर, आगे अर्जुन कह रहा है करिष्ये वचनं त्वा, वो मैंने सुना नहीं, यही होता है ना, भगवान जो चीज पसंद आती है ना वो ले लेते हो, कहा है भगवान ने यत इच्छे सी तथा गुरु, भाई आगे अर्जुन क्या जवाब देते हैं, बोले मुझे क्या करना उससे, भगवान ने कहा वही है बस, अबे तू भगवान नहीं तू क्या है, तू अर्जुन है, जब भगवान ने आपको ये विकल्प दिया जो तेरी इच्छा है वो कर, तो अर्जुन ने कौन सा विकल्प अपनाया, करिष्ये वचनं